तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांत टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग से संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलया पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गमारू भाषा में होने पर भी श्री सीता जी प्रभु श्री राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण माता सरस्वती जी भी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती हैं। माता सरस्वती जी की दौड़ी आने की कह तखावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले प्रभु श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से भेद कर फिर श्री रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौए के समान है और भेष हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन और क्रोध के काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। मैं ना तो कवि हूं और ना चतुर कहलाता हूं, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूं। कहां तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहां संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है।
श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। माता सरस्वती जी, शेष जी, भगवान शिव जी, परम पिता ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नित नित कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जन का गुणगान किया करते हैं। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अखतनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत सरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा है, जो सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज दीन बंधु सरल स्वभाव सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश का वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से वाल्मीकि जी, व्यास जी आदि मुनियों ने पहले ही श्री हरि की कीर्ति गाई है, हे भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करता हूँ। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में श्री हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूं। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री राम जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों,
आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसीलिए बार बार निहुरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन ऋषि वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित हैं। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। मैं उन परम पिता ब्रह्मा जी के चरणों की रज वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहां से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदरा उत्पन्न हुए। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। फिर मैं माता सरस्वती जी और देव नदी माता गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी माता सरस्वती जी गुण और यश कहने पर और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। श्री महेश और माता पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट सहित सच्चा हित करने वाले हैं, जिन प्रभु शंकर माता पार्वती जी ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिवजी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति श्री शिवजी मुझ पर प्रसन्न होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार माता पार्वती जी और प्रभु श्री शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ।